हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स द बेस्ट प्रेगनेंसी सेंट्रिक चैनल। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को सूजन आना कितना आम होता है, प्रेगनेंसी के दौरान सूजन कब आती है, शरीर के किन किन हिस्सों में ये सूजन आ सकती है और इसके कारण क्या होते हैं और इलाज की गर्भवती महिलाओं को इस सूजन से ज्यादा परेशानी ना हो, ये सारी बातें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, एंड तक वीडियो को बिना स्किप किए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सूजन आना गर्भावस्था के दौरान कितना नॉर्मल होता है। तो आपको बता देती हूँ कि गर्भावस्था के दौरान कई महिलाओं को सूजन की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ महिलाओं को नहीं भी होती है, और ये जो सूजन होना होता है ये बहुत ही ज्यादा सामान्य होता है और इसे एडिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, नॉर्मली जो सूजन होती है वो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के हाथों में, पैरों में, चेहरे में, टखनों में और पंजों में आती है। तो ये जो है हर गर्भवती महिलाओं को अलग अलग तरीके से हो सकती है। कुछ महिलाओं को चेहरे में, नाक में सूजन आती है, कुछ को नहीं आती है। कुछ महिलाओं के पैर बहुत ज्यादा सूज जाते हैं गर्भावस्था के दौरान, और कुछ महिलाओं के टखने और पंजे तक में भी सूजन आ जाती है। तो ये जो सूजन होती है वो नॉर्मली गर्भावस्था के पांचवें महीने से स्टार्ट होती है, और कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान सूजन आने का जो कारण मेन होता है वो ये होता है कि इस दौरान बच्चे का जो विकास होता है उसके लिए गर्भवती का शरीर 50% अतिरिक्त ब्लड और तरल पदार्थों का उत्पादन करता है। तो सूजन आना, जैसा मैंने आपको बताया, कि बहुत ज्यादा नॉर्मल होता है, और ये जो होता है अतिरिक्त रक्त और तरल पदार्थों के कारण ही होती है। इसका दूसरा कारण आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन भी हो सकता है, और इसकी कई वजहें और भी हो सकती है कि आपको गर्भावस्था के दौरान सूजन आ जाए। इसके अलावा इसका एक मेन कारण ये भी होता है कि गर्भावस्था के दौरान अगर आपके शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो ये भी एक वजह होती है गर्भावस्था के दौरान हाथ पैरों में सूजन आने की। अब दोस्तों, आपको बता देती हूँ कि सूजन अधिकतर आपको कब हो सकती है। ये आपको नॉर्मली गर्मियों के टाइम में ज्यादा होगी। अगर आप गर्भावस्था के दौरान बहुत देर तक खड़ी हैं, बहुत देर तक अगर आप काम करती हैं, और अगर आप एक ही पोजीशन में बैठी रहती है या खड़ी रहती है, तो भी समस्या आपको हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप आहार में कम पोटेशियम वाली चीजें खाती हैं जिसमें कि पोटेशियम की कमी होती है, या फिर आप खाने में सोडियम की मात्रा यानी कि नमक आप अधिक लेती हैं, और अगर आप कैफीन का सेवन इस दौरान करती हैं, तो भी आपको सूजन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ कारण हैं जिस वजह से आपको सूजन हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स जो आपके चेंज होते हैं, इसकी वजह से भी सूजन होना एक आम बात होती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान सूजन अगर आपको हो जाए तो इसके क्या इलाज होते हैं, इस बारे में बात करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट करें और बेल बटन को प्रेस करें नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस के अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को कंटिन्यू करती हूं और अब आपको बताती हूं इसके इलाज के बारे में कि अगर आपको सूजन हो जाए तो इसमें आप क्या करिए। इसमें आप सबसे पहला काम ये करिए कि अगर आपको सूजन बहुत ज्यादा होने लगे तो आप सबसे पहले तो एक काम करिए कि आप जो है गर्भावस्था के दौरान पानी पीने में बिल्कुल भी परहेज ना करें। कम से कम दिन भर में 8 से लेकर 10 ग्लास पानी आप जरूर पीजिए। इससे आपके शरीर में यूरिन बनेगा और आपके सारे जो विषैले पदार्थ जिसे कि टॉक्सिन्स कहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और ऐसा होने पर आपके शरीर में सूजन कम होने लगती है। दूसरी बात दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि आप जो है इस दौरान नमक का सेवन कम ही करिए। ऐसा ना करें कि एकदम से नमक खाना बिल्कुल कम कर दीजिए। अगर आपको सूजन है तो धीरे धीरे अपने डाइट में जो भी आप खा रहे हैं, जिसमें आप ऐसी चीजें जिनमें कि नमक डाला होता है, तो धीरे धीरे नमक को जो है नॉर्मल से कम खाना शुरू कर दीजिए। लेकिन ऐसे ना करिए कि नमक को बहुत तेजी से आप कम कर रहे हो, धीरे धीरे करके नमक को कम खाना शुरू कर दीजिए। इससे भी आपको सूजन की प्रॉब्लम से आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, लंबे समय तक कहीं पे भी खड़े ना रहें या फिर बैठे ना रहें। आप थोड़ा बहुत चहलकदमी करिए। हर घंटे में आप कम से कम 5 मिनट के लिए उठ बैठ कर इधर उधर जरूर टहलें, और जब भी आप बैठे हुए हों तो क्या करिए कि अपने पैरों को चलाते रहें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे भी आपके पैर जो है वो एक्टिव रहते हैं, और इससे आपके पैरों में सूजन की समस्या के साथ साथ पैरों में जो ऐंठन होती है वो दिक्कत भी इस दौरान नहीं होती है। दोस्तों, इस दौरान आप टाइट इलास्टिक वाले मोजे या फिर स्टॉकिंग्स बिल्कुल भी ना पहने। इन्हें पहनने से रक्त और तरल पदार्थों का जो प्रवाह है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। आरामदायक जूते पहनिए, खासतौर पर तब जबकि आप बाहर जा रहे हों, तो आपको आरामदायक जूते पहनने हैं जिससे कि आप बेहतर महसूस करें, और गर्भावस्था के दौरान पैर और पीठ में होने वाले दर्द भी आपको इससे कम होते हैं। और एक चीज का ध्यान दोस्तों, इस दौरान आप ये रखिए कि आप जब भी सो रहे हों तो सोते समय करवट लेकर ही सोएं, और बाईं करवट लेकर अगर आप सोते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, जिससे कि आपकी किडनी जो है वो दुरुस्त रहती है, हेल्दी रहती है, दुरुस्त रहती है। और किडनी अगर आपकी अच्छे से काम करती है तो आपके शरीर पर अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं और आपकी सूजन कम होने लगती है। दोस्तों, इसके अलावा एक टिप मैं आपको और देना चाहती हूँ कि जैसे आप प्रेगनेंसी के दौरान बाहर गए हो किसी भी काम से और घर आए आपके पैरों में सूजन आ गई हो, बहुत ज्यादा आपके पैर दर्द हो रहे हो, तो आप एक काम इस दौरान ये कर सकती हैं कि एक टब में पानी गुनगुना लीजिए और उसमें 1 टीस्पून नमक डालिए।
फिर आप अपने पैरों को इसमें डुबा दीजिए और 10-15 मिनट तक आप इस तरीके से अपने पैरों को इसमें रखिए, तो इससे आपको एकदम से आराम मिल जाता है और आपको होने वाली सूजन की समस्या के साथ साथ जो इससे दर्द हो रहा है वो इससे कम होने लगता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी गर्भावस्था के दौरान अगर आपको सूजन हो जाती है तो इस विषय में। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।